जय गुरु। चलिए आज परम पूजनीय श्री श्री बड़ा मां के बारे में आलोचना करेंगे। उनके जीवन की कतिपय प्रेरणामय घटना के बारे में आलोचना करेंगे। गोविंद भोग चावल के बारे में 1961 या 62 ईयर्स की बात है। गोवर्धन पोडेल नाम का रायना वर्धमान के एक सक्रिय कर्मी थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 4-5 बीघा जमीन की खेती पर पूरे परिवार का भरण पोषण निर्भर था। बहुत कष्टदायक परिस्थिति थी। एक बार देवघर में परमाराध्य श्री श्री ब्रह्मा के श्री चरण में अपने आर्थिक समस्या के समाधान के लिए निवेदन किए। श्री श्री ब्रह्मा उनसे पूछी कि तुम्हारे तरफ गोविंद भोग धान की खेती होती है या नहीं। गोवर्धन दास बतलाए कि खेती तो अच्छी होती है, परंतु गोविंद भोग धान की उपज अच्छी नहीं होती है और यह धान बहुत महंगी भी है। श्री श्री ब्रह्मा उनसे बोली कि तुम गोविंद भोग धान की खेती करोगे, उससे जो चावल होगा उससे बाज़ार में बेच दोगे, उस रुपये से तुम लोग जिस चावल का भात खाते हो उसे खरीद कर साल भर के लिए संग्रह कर लेना। पहले तो गोवर्धन दास का ये बात समझ नहीं आई कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, परंतु श्री श्री ब्रह्मा के आशीर्वाद पालन करने का संकल्प लेकर वे खेती करना शुरू किए। पहला वर्ष तो गोविंद भोग चावल की कीमत उतनी नहीं मिली, परंतु दूसरे वर्ष में गोविंद भोग चावल की कीमत बाज़ार में तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके कारण गोवर्धन दास को बहुत फायदा हुआ। गोविंद भोग चावल की आमदनी से खेती के लिए और भी जमीन खरीदे। 7-8 वर्षों के अंदर ही पहले की तुलना में खेती की जमीन का परिमाण 4 गुना बढ़ गया। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छी हो गई। बाद में गोवर्धन दास को सह प्रतिनिधि का पंजा का आशीर्वाद भी मिला। वे बर्धमान जिले के सत्संग में श्री श्री ब्रह्मा के आशीर्वाद के माध्यम से उनका पारिवारिक जीवन में कैसे सुधार हुआ है उसकी चर्चा बहुत आकर्षण ढंग से करते थे। वस्तु की मर्यादा। श्री श्री ब्रह्मा के पास एक बहुत पुराना धातु की एक छोटी डिबिया थी, जिसमें दांत खोदाना और कान साफ करने की काठी आदि रखती थी। एक बार श्री श्री ब्रह्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवक ने इस पुराने बदरंग धातु की डिबिये को बदलकर एक नई स्टील की डिबिया में सामान सब रख दिया। पूजनीय रंगमा उनके सामने थी। जब श्री श्री ब्रह्मा की नज़र नई डिबिया पर पड़ी तो वे पूजनीय रंगमा से पूछती, पुरानी डिबिया कहाँ गई। पूजनीय रंगमा बोली कि उसका रंग खराब हो गया था, इसलिए उसे हटाकर एक नई डिबिया रखे हैं। श्री श्री ब्रह्मा बोली, वो डिबिया तो इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, उसे मैं कैसे हटा सकती हूँ। ये कहकर वो मोहनदास दा को बुलाकर बोली, उसे पुराना डिबिया को रंग करवा कर ले आओ। जब मोहनदास रंग करवा कर लाए तो श्री श्री ब्रह्मा पुनः उस डिबिया के सामान को उसमें रखकर उसका व्यवहार शुरू कर दी। और एक आलोचना है, श्री श्री ब्रह्मा श्री श्री ठाकुर की सहधर्मिणी ही नहीं थी, सहकर्मिणी भी थी। उनके जीवन का सुख दुख आनंद सब कुछ श्री श्री ठाकुर को लेकर ही था। वे लोगों के दुख दूर करने के लिए अपराह्न कोशिश करती थी। एक बार एक माँ अपराह्न में उनकी बरामद में बैठकर लगातार सिसक रही थी।
उस वक्त ऋषि वर्मा निराला निवेश के बगल वाले कमरे में रहती थी। पैर में दर्द रहने के कारण वे ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। श्रीमती भारती चटर्जी सत्संग के एक नित्यकर्मी श्री निर्मल चटर्जी की पत्नी शिशि ठाकुर प्रणाम करने आश्रम आई थी। प्रणाम करने के दौरान देखी कि एक महिला शिशि बड़मा के बरामदे में बैठी लगातार रो रही थी। श्रीमती भारती चटर्जी उससे रोने का कारण पूछने पर वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब भारती चटर्जी उस महिला को सांत्वना देकर चुप करवाई तो उसने अपनी समस्या बतलाई। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, उसका कोई संतान नहीं है, पति की बीमारी का इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रही है कि अब क्या करें। भारती चटर्जी उस महिला को लेकर शिशि वर्मा के कमरे में गई और उसकी समस्या के संबंध में शिशि वर्मा से निवेदन की। उसकी दुख भरी समस्या सुनकर शिशि वर्मा की आंखें भी डबडबा गई थी। वे उस महिला को कुछ देर बैठने बोली। महिला शिशि वर्मा के पैर के नज़दीक बैठ गई। शिशि वर्मा बहुत आग्रह सहित उस महिला की तरफ करुणा भरी नज़रों से देखती रही। कुछ देर बाद शिशि वर्मा उस महिला से बोली, तुम अगले सोमवार को बद्रीनाथ धाम के मंदिर में जाकर पूजा करोगी और उसके बाद से प्रत्येक सोमवार को हविषन्न ग्रहण करोगी। हविषन्न में अरवा चावल का भात बिना पानी निकाले, कच्चे केला का भरता, मटर की दाल, संदेव लवण और गाय का घी खाना और अंत में दूध केला और ईख का गुड़ के साथ भात खाओगे। इसी तरह से तुम पालन करके चलोगे तो तुम्हारा संतान जरूर होगा। उक्त महिला शिशि वर्मा के आशीर्वाद पूर्णतः पालन करके बाद उसका एक लड़का हुआ था। इस तरह से शिशि वर्मा के आशीर्वाद से कितने निसंतान को संतान हुआ और निर्धन धनी बने उसका कोई हिसाब नहीं है। और एक दिन की बात है, एक दिन शिशि ठाकुर के पास एक माँ जीवन से परेशान होकर डबडबाई आंखों से निवेदन की, ठाकुर मैं बहुत अशांति में हूँ, मेरे ससुराल में मुझसे कोई अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, सास नाना दिन रात मुझे कोसते रहती है, मेरे पति मुझसे प्यार से बातें नहीं करते हैं, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। शिशि ठाकुर ने पूछा, क्या तुम कच्चू या अरबी के पत्ते की साग बनाना जानते हो? उत्तर मिला, नहीं ठाकुर, मुझे यह व्यंजन बनाना नहीं आता है। शिशि ठाकुर ने कहा, बड़ी बहू या शिशि वर्मा के पास जाओ और कच्चू के पत्ते की साग बनाना सीख लो। उक्त माँ शिशि वर्मा के पास जाकर बोली, मुझे कच्चू के पत्ते की साग बनाना सिखा दीजिए। शिशि वर्मा ने उसे कच्चू का साग, कच्चू की लत्ती, कच्चू की सिंगड़ी, कटल की कलिया इत्यादि अनेक तरह के व्यंजन रेणुमा, कालिदासीमा, योगेश्वर रसोईया के माध्यम से सिखला दी। कुछ ही दिनों के अंदर वो माँ विभिन्न तरह की व्यंजन बनाना अच्छी तरह सीख गई। उक्त माँ के साथ बातचीत करके शिशि वर्मा समझ गई थी कि उसकी अशांति का मूल कारण है संतानहीनता। शादी के कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई संतान नहीं हुई थी। देवघर में कुछ दिन रहने के बाद शिशि वर्मा उसको आशीर्वाद देते हुए बोली थी कि तुम ससुराल जाकर ससुर सास स्वामी आदि की बहुत यत्न के साथ सेवा करना, नित्य नई तरह के व्यंजन बनाकर खिलाना, देखोगे सभी तुमसे प्यार करने लगेंगे, तुम बच्चे की माँ भी बन जाओगे। शिशि ठाकुर की दया और शिशि वर्मा के आशीर्वाद से उक्त माँ का संतान हुआ। वो माँ बच्चे
को गोद में लेकर एक दिन मुस्कुराती हुई शिशि ठाकुर और शिशि वर्मा को प्रणाम करने आई और बोली कि ठाकुर आपके आशीर्वाद से अब मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जय गुरु।